नमस्कार, मैं पूजा माथुर इस वक्त मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर। और गाजीपुर बॉर्डर पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर लगातार जो किसान एक साल से बैठे हुए थे और जो उन्होंने तंबू लगाए हुए थे और जितना भी यहाँ पे भंडारा वगैरह जो उनके पंडाल थे वो सब जो है अब उखाड़े जा रहे हैं। मगर यहाँ से अभी किसान जा नहीं रहे हैं। जो कृषि कानून है वो लगातार जो वापस करने की उनकी मांग थी सरकार ने वापस ले लिया है और उस पर जो है किसान मान चुके हैं। MSP बिल वगैरह से लेकर जो भी उनकी मांगे थी, अन्य मांगे थी, उसको लेकर वो जो बैठे हुए थे एक साल से, तो वो अब यहाँ पर अपने घरों की ओर पलायन कर रहे हैं धीरे धीरे। जो कुछ किसान हैं जो आज अपने पंडाल निकाल कर तैयार कर रहे हैं और कुछ किसान हैं जो जाने की तैयारी कर रहे हैं। लगातार यहाँ पर जो हम देख रहे थे, यहाँ पे काफ़ी जो पंडाल लगे हुए थे, पंडाल से लेकर तंबू लगे हुए थे और सीलिंग फैन तक यहाँ पर मौजूद थे, वॉशरूम और ये सब सारी सुविधाएं यहाँ पे मौजूद थी। उन्होंने जितना भी यहाँ पे अरेंज किया हुआ था, आप दिखा रहे हैं हम लाइव तस्वीरें। यहाँ पर कुछ किसान जो हैं अभी जाते हुए नज़र आ रहे हैं, ट्रॉली ट्रक जो है उनका लगातार वो अपना तैयार कर रहे हैं और उसमें सामान जो है उनका जा रहा है। और अब यहाँ पर जो जितने भी ये पंडाल दिख रहा है वो पंडाल हट चुका है, मगर वहाँ पर जो उनका लगातार भंडारा, जो भी खाने का जो भी चलता था वो लगातार यहाँ पर चल रहा है। लोग बैठे हुए मौजूद हैं वहाँ पर और सामने जो मंच है, युवा मोर्चा मंच है, जो किसानों की जहां बैठक होती थी, जो जहां पे वो अपनी राजनीति बनाते थे, बैठ के बातें करते थे, वो वहां पर अभी सारे लोग मौजूद हैं। और अभी ये शाम का वक्त है जहां पर इतना अच्छी खासी भीड़ है अभी तक। और यहां पर ये सामने देखिए, सामने हम दिखा रहे हैं यहां पर जो पंडाल लगा हुआ था, पर अभी भी लोग मौजूद हैं, वो पंडाल हट चुका है, पर खाने की जो सुविधा है वो लगातार दी जा रही है, लगातार यहाँ बैठ रहे हैं। अभी जो किसान है वो यहाँ से नहीं जा रहे हैं, वो अभी 15 तारीख को जो है जाने का उनका ऐलान हुआ है, कह रहे हैं वो अभी हमारे जितने भी किसान हैं वो धीरे धीरे किसान साथी धीरे धीरे जा रहे हैं, क्योंकि जितने भी किसान यहाँ बैठे थे उन्होंने ये इस तरीके की बात कही है कि अभी वो यहाँ से नहीं हटेंगे, क्योंकि उन्हें कुछ किसान, काफ़ी किसान बहुत बहुत दूर दूर जिलों से आए हुए हैं, राज्यों से आए हुए हैं, तो उनको जाने में वक्त भी लगेगा। तो कुछ किसान जा रहे हैं और कुछ किसान जो है अपने तंबू उखाड़ के निकाल रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ट्रॉली और ट्रक जो है उनका तैयार हो रहा है, उसमें सामान लगाकर वो लोग निकल रहे हैं। पर अभी आप जो देख रहे हैं यहाँ पर शाम का वक्त है और भीड़ जो है अच्छी खासी यहाँ पर मौजूद है, किसी भी तरीके की यहाँ पर आप लोगों को देखेंगे कि लोगों की कमी नहीं है, अच्छे खासे लोग यहाँ मौजूद हैं अभी भी। और उनका ऐलान यही हुआ है कि काले कानून जो वो कहते थे कि कृषि कानून जो 3 हैं उन्होंने वापस लिए हैं, पर अभी भी जो है सरकार पर उनको भरोसा नहीं है, सरकार पर भरोसा नहीं है। और वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, उन्होंने हमारे जो कृषि बिल है उनको वापस ले लिया है, कमेटी MSP पर जो है कमेटी बना दी गई है, उसी चीज़ के लिए इन्होंने आज विजय यात्रा जो है निकाली है, ट्रक और ट्रॉली जो है उस पर सामान इनके जा रहे हैं। कुछ किसान यहाँ से कूच कर रहे हैं और बाकी किसान जो है लगातार यहाँ पर मौजूद है और बैठे हुए हैं, वो 15 तारीख को जाएंगे। यहाँ पर अभी इस तरीके का माहौल है कि जैसे सुबह में एक जत्था का जत्था पूरा जुड़ा होता है, पर अभी शाम हो चुकी है, अंधेरा होने को है। लगातार यहाँ किसान भाई मौजूद हैं, बहनें भी हैं यहाँ पर लगातार बैठी हुई हैं, और 15 तारीख को जो है उन्होंने जाने का ऐलान किया है, 15 को वो लोग निकलेंगे। अभी जो है यहाँ पर धीरे धीरे लोग जा रहे हैं, कूच कर रहे हैं अपने घरों की, और जो एक साल से यहाँ पर ठंड में, बारिश में, धूप में बैठे हुए थे, वही किसान आज जो है अपने घरों को लौट रहे हैं, आज अपने घरों को देखेंगे, अपने घर वालों से मिलेंगे। उन्होंने अपने ये दुख तो उनके अंदर रहेगा, जो जितने किसान थे, किसान भाई उनके शहीद हुए थे, उसका दुख उनके दिलों में है। पर अभी जश्न इस बात का भी मनाया जा रहा है कि यहाँ पर जो एक साल से किसान लोग बैठे हुए थे वो अब जो है यहाँ पर जो 3 कानून है उन्होंने सरकार ने वापस ले लिया है, तो उसी के मद्देनज़र यहाँ पर किसान जो है अपने घरों की ओर लौट रहे हैं, उसी की विजय यात्रा यहाँ निकाली गई थी। और अभी भी जो है किसान
लगातार यहाँ बैठे हुए हैं। कुछ किसान हैं क्योंकि अलग अलग जिलों से हैं। यहाँ पर मैं गाजीपुर पे हूँ, अभी जो टिकरी बॉर्डर है वहाँ पर भी किसानों का जो जत्था है वहाँ पर मौजूद है, वो भी जा रहे हैं, तंबू वगैरह निकाल रहे हैं, ट्रॉली पर अपने सामान लेके जा रहे हैं। ऐसा ही माहौल सिंघू बॉर्डर पर भी देखने को मिलेगा आप लोगों को। और यहाँ पर अभी गाजीपुर पर जो आप देख रहे हैं यहाँ लगातार ऐसा भीड़ और ऐसी चहल पहल है जैसे सुबह का माहौल हो। लगातार यहाँ पर अभी सारे किसान बहनें भी मौजूद हैं, जो उनके घर वाले हैं वो लोग भी आए हैं। काफ़ी अरसे से जो किसान बैठे थे आज अपने घरों की ओर जा रहे हैं, कूच करेंगे। और इसी के साथ कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं पूजा माथुर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।